हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूनिवर्सल बोर्ड एलईडी टीवी के अंदर इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। इसके लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ सिंपल सा 2-3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। इसके बाद आप किसी भी LCD LED TV के अंदर यूनिवर्सल बोर्ड इंस्टॉल कर पाओगे। और अभी जो मेरे पास टीवी है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास पैनासोनिक का टीवी है। ये देख सकते हो, एक पैनासोनिक का टीवी है जिसका पैनल नंबर है ST2151B01। इसका नंबर है। तो अगर आपको किसी भी LCD LED TV के अंदर यूनिवर्सल बोर्ड इंस्टॉल करना है तो देख सकते हो, फिलहाल अभी जो मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ इसका नंबर है VST56U11.2। और इसके साथ साथ आपको जो बैकलाइट को चलाने के लिए वो यूज़ करना होगा वो है एक बैकलाइट ड्राइवर। इस बैकलाइट ड्राइवर को भी इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई भी सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस बैकलाइट के साथ, बैकलाइट ड्राइवर के साथ आपको इस तरीके का वायर भी मिल जाएंगे जिसके ज़रिए आप बहुत ही आसानी से ये जो चीज़ है इसको भी आप यहाँ पे डाल के बहुत ही आसानी से, गाइस आपको कोई भी सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जैक बाय जैक आपको लगा देना है। अगर आपको इस बैकलाइट ड्राइवर को इस यूनिवर्सल मदरबोर्ड के साथ कनेक्शन करना है तो भी आपको कोई भी सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको ये जो देख सकते हो एक वायर का क्लिप है, इस क्लिप को आपको यहाँ पे लगा देना है, यहाँ पे लगा देना है और उसके बाद आपको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले गाइस, किसी भी LCD LED TV के अंदर जब भी आप यूनिवर्सल बोर्ड इंस्टॉल करने जाओगे, सबसे पहले उसका जो LVDS केबल कनेक्शन है वो बहुत ही क्रिटिकल चीज़ होता है। जब भी कोई LCD LED TV के अंदर यूनिवर्सल बोर्ड करने के लिए जाते हैं तो अटक जाता है जाके LVDS केबल के ऊपर। उसके बाद मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आके पूछते रहते हैं कि किस तरीके से LVDS केबल को कनेक्शन करना है। इसके ऊपर मैंने पहले ही एक डिटेल्स वीडियो बना के रखा हूँ कि किस तरीके से LVDS केबल को कनेक्शन किया जाता है अगर आप यूनिवर्सल मदरबोर्ड इंस्टॉल करने जा रहे हो किसी भी LCD LED TV के अंदर। फिर भी मैं आपको एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम आपको इसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा लाइव प्रैक्टिकल के साथ। तो देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। दोस्तों सबसे पहले आप इस पैनल का नंबर देखिए ST2151B01, इसका पैनल का नंबर है। तो मैंने क्या किया, इस पैनल का जो डेटा शीट है वो मैं इंटरनेट से सबसे पहले डाउनलोड किया है। और इंटरनेट से किस तरीके से किसी भी पैनल का डेटा शीट डाउनलोड किया जाता है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाल के रखा हूँ। आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा मैंने पेपर लिया हूँ, वाइट पेपर। तो इस साइड में जो भी आप पिन देख रहे होंगे इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से करके, ये हमारा 29, उसके बाद हो गया 30। तो हमारे इस मदरबोर्ड के अंदर टोटल 30 पिन आपको मिलेंगे LVDS का। यहाँ पे देख सकते हो LVDS कनेक्शन और कौन सा पिन किस सिग्नल के लिए इस्तेमाल होगा वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हूँ। सबसे पहले आप इस साइड देख सकते हो, यहाँ पे 3+3-, ग्राउंड 1+2-, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। इसका जो एक नंबर है वो VCC, 2 VCC, 3 नॉट कनेक्ट, 4 नॉट कनेक्ट, 5 ग्राउंड, 6 नॉट कनेक्ट, 7 0-, 8 0+, 9 1-, 10 का है 1+। ठीक उसी तरीके से पैनल के अंदर जो भी पिन से उसका भी डेटा शीट और किस पिन किस काम के लिए और किस सिग्नल के लिए यूज़ होंगे वो भी मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके लिख के रखा हूँ। तो आपने देखा होगा कि LVDS कनेक्शन का जो LVDS केबल का एक नंबर पिन है वो हमारा 0-, 2 0+, 3 1-, उसके बाद हमारा 4 1+। इस तरीके से करके हमें जिस तरीके से डेटा शीट के अंदर डेटा मिला है उसी तरीके से हमने एक एक करके सारे मतलब कनेक्शन को हमने देख लिया हूँ। देख सकते हो सारे जो सिग्नल्स है उसको लिख चुका हूँ। और उसके बाद आप देख सकते हो लास्ट में जो कि 29 और 30, 28, 29, 30, ये जो तीन लेग्स है यानी कि तीन जो सिग्नल के लिए ट्रैक दिया हुआ है ये हमारा 5 वोल्ट पॉजिटिव के लिए है। तो किसी भी LCD LED TV के अंदर यूनिवर्सल बोर्ड इंस्टॉल करने से पहले आपको पैनल का वोल्टेज चेक करना होगा, नहीं तो आपका पैनल जो है खराब हो सकता है हमेशा के लिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, वहाँ यहाँ पे जो जम्पर लगा हुआ है देख सकते हो, अभी 5 वोल्ट पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो आपका पैनल जिस भी वोल्टेज का होगा वो वोल्टेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा।
आपका वो पैनल 3.3 वोल्ट का हुआ तो यहाँ पे लगाना होगा, और 12 वोल्ट का हुआ तो साइड में, इस साइड में लगाना होगा। तो हमारा ये जो पैनल है 5 वोल्ट का है, इसलिए हमने यहाँ पे 5 वोल्ट सिलेक्ट करके रखा हूँ। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये जो हमारा LVDS केबल है, इस केबल को आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको लगाना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा एक नंबर पिन VCC के लिए था, इसलिए जो पॉजिटिव वाला वायर था हमने इस साइड से भरना स्टार्ट किया हूँ। उसके बाद जिस तरीके से लगा हुआ है, अगर आपको और भी डिटेल्स में जानना है कि किस तरीके से LVDS केबल को कनेक्शन किया जाता है और उसका जो ये जो सारे वायर से उसको निकाल के एक एक करके मैचिंग किया जाता है, आप YouTube पे जाके LVDS केबल कनेक्शन बाय दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ये सर्च करोगे तो मेरा वीडियोस आपको दिख जाएगा। वहाँ पे मैंने डिटेल्स में हर एक चीज़ के बारे में बता के रखा हूँ LVDS केबल के। तो आप बढ़ जाते हैं, चलिए मैं एक एक करके सारे केबल्स और सारे चीज़ को कनेक्शन करके दिखाता हूँ कि हमारा जो ये जो पैनल है, ये जो टीवी है, ये इस कार्ड के ज़रिए ड्राइव या चल रहा है कि नहीं, एक बार देख लेता हूँ। तो सबसे पहला जो काम हमारा होगा वो होगा कि हमारा LVDS केबल को पैनल के अंदर सही तरीके से, सही ढंग से लगाना होगा। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये देख सकते हो सही ढंग से लग गया है। और उसके बाद आपका दूसरा स्टेप होता है, ये जो हमारा यूनिवर्सल कार्ड है, इस यूनिवर्सल कार्ड के अंदर आपको बाकी जो साइड है इसको आपको लगाना होगा। लेकिन इसको लगाने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, ये जो आप डॉट देख रहा हो और ये जो हमारा पॉजिटिव पावर सप्लाई का वायर देख रहे होंगे, इसको आपको यहाँ इस साइड पे लगाना होगा, क्योंकि ये जो हमारा यूनिवर्सल LED ड्राइवर है, इसका इस साइड से स्टार्ट होती है हमारा 1, 2, 3, 4 करके। तो आपको यहाँ पे इसको लगाना होगा कुछ इस तरीके से, लग गया। उसके बाद तीसरी स्टेप ये हो गया हमारा, ये जो आप देख सकते हो यूनिवर्सल बैकलाइट ड्राइवर कार्ड, इसको आपको लगाना होगा। इसके लिए आप देख सकते हो इसका कनेक्शन कहाँ पे कौन सा वायर लगाना है वो लगाना होगा। देख सकते हो सबसे पहले यानी कि इस साइड से V in, इनेबल, डिम और ग्राउंड, इसका मतलब है इस साइड ग्राउंड, इस साइड पॉजिटिव पावर सप्लाई, इस साइड ग्राउंड, और बीच में एक डिम कनेक्शन के लिए है, मतलब ब्राइटनेस के लिए, एडजस्टमेंट के लिए, और दूसरा हो गया हमारा इनेबल के लिए। तो आपको इस साइड से लगाना होगा। उसके बाद आपको ये जो पिन्स आपको दिख रहे होंगे, इस साइड आपको दिख रहा होगा 12 वोल्ट, ग्राउंड और एडजस्टमेंट और बैकलाइट ऑन के लिए। तो आपको सिंपल से काम है, इसको इस तरीके से लगा देना है, कोई भी आपको सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपको बैकलाइट का केबल दिखेगा, जैक दिखेगा, इसको आपको हमारे बैकलाइट ड्राइवर के साथ कनेक्शन करना होगा। यहाँ पे भी आपको सिर्फ और सिर्फ जैक के अंदर डाल देना है इस जैक को, और उसके बाद आपको कनेक्शन हो गया, हमारा बैकलाइट का कनेक्शन कम्प्लीटली हो चुका है। उसके बाद क्या आता है, इसको पावर सप्लाई देना होगा हमें, और इसके अंदर पावर देने के लिए आप एक्सटर्नल जो अडाप्टर आता है 3 एम्पियर का, वो भी लगा सकते हो, और चाहे तो आप 3 एम्पियर का पावर सप्लाई भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल इसका टेस्टिंग के लिए हमारे पास 12 वोल्ट का 10 एम्पियर का जो हमारा बेंच पावर सप्लाई है, उसके ज़रिए इसको हम पावर देंगे अभी आप लोगों को दिखाने के लिए। उससे पहले और एक चीज़ रह गया है, ये जो हमारा फोन पैनल का कनेक्शन है और IR का और इंडिकेटर का कनेक्शन है, इसको भी आपको लगाना होगा, ध्यान से लगाना होगा ताकि हमारा कोई भी कनेक्शन टूट ना जाए। और उसके बाद हमारा जो सारे कनेक्शन है वो बिल्कुल सक्सेसफुली हो चुका है। और अब बढ़ जाते हैं इसको टेस्टिंग करना, इसको टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ इसको पावर देना होगा। मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए, और उसके बाद मैं कैमरा को थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से देखने को मिले। तो दोस्तों मैं इस पावर सप्लाई को कनेक्शन करने जा रहा हूँ हमारे इस मदरबोर्ड के साथ, तो यहाँ पे मैं सिंपल सा लगा दूँगा। जैसे ही लगाया आप देख सकते हो यहाँ पे रेड इंडिकेटर ग्लो होना स्टार्ट हो गया, यानी कि हमारा जो अभी बोर्ड है वो स्टैंड बाई मोड पर है, तो हमें अब इसको स्टैंड बाई से रिलीज करना होगा। इसके लिए यहाँ पे देख सकते हो पावर स्विच है, पावर बटन को भी आप प्रेस कर सकते हो, और उसके अलावा इस बोर्ड के साथ आपको एक रिमोट भी मिलेगा अच्छा क्वालिटी का, तो ये जो पावर का बटन है इसको भी आप प्रेस कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इस बोर्ड को मैं यहाँ से स्टैंड बाई से रिलीज कर देता हूँ और देखता हूँ कि हमारा जो TV है वो ऑन होता है कि नहीं। तो चलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जैसे कि गाइस देख सकते हो हमारा जो TV है ये बिल्कुल सक्सेसफुली काम कर रहा है, और मैं आपको रिमोट से भी इसका काम दिखा देता हूँ कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। अभी मैं मेनू ओपन कर रहा हूँ, मेनू देख सकते हो, मेनू प्रेस किया और देख सकते हो ये बिल्कुल काम कर रहा है, ये देख सकते हो सही तरीके से काम कर रहा है।
आप चाहे तो इसके अंदर मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव जो भी आपके पास है कनेक्शन करके अपना पिक्चर, साउंड और मूवी देख सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं होगी। और ये जो कार्ड है, इस कार्ड का परफॉर्मेंस है और जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा है। मैंने काफ़ी सारे टीवी के अंदर इसको इस्तेमाल कर चुका हूँ। तो इस तरीके से आप किसी भी LCD LED टीवी के अंदर यूनिवर्सल मदरबोर्ड इंस्टॉल कर सकते हो। तो रुक जाइए दोस्तों, अभी हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। आप लोगों को कुछ कहना है कि अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके अभी के अभी कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों को मुझे इंस्टाग्राम पे क्यों फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ ये क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते रहता है, मुझे ये वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहता है कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हमें ये सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, मुझे वो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। तो ये जो सारे क्वेश्चन है, और मैं आपको इंस्टाग्राम पे कोई भी लिंक नहीं दे सकता हूँ। जब तक इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोअर्स नहीं हो जाएंगे तो कोई भी लिंक मैं आप लोगों को नहीं दे पाऊँगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी जाके मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कीजिए, 10,000 फॉलोअर्स बढ़ाएंगे ताकि मैं आप लोगों को कोई भी चीज़ का सोल्यूशन का लिंक जो है मैं आप लोगों को दे पाऊँ इंस्टाग्राम के ऊपर जल्द से जल्द, और आपका जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसका प्रॉब्लम का सॉल्व हो सके। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी टीवी का जो पैनल का रेजुलेशन होता है वो कैसे सेट करना है। अगर सॉफ्टवेयर का मदरबोर्ड होता तो आप सॉफ्टवेयर डाल के पैनल का जो रेजुलेशन है वो आप सेट कर सकते थे, लेकिन ये जो बोर्ड है इसको आपको कोई भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी नहीं होगी, नहीं आपको कोई भी जम्पर कोई सेट करने की ज़रूरत होगी। इसके अंदर सिर्फ आपको रिमोट के जरिए कोड डालना होगा। ये जो रिमोट है इस रिमोट के जरिए आपको कोड डालना होगा तभी आपको पैनल का जो कोई भी रेजुलेशन है वो आप सेट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरा जो वेबसाइट है www.deepelectronicslab.com उस वेबसाइट पे जाके आप रिमोट का जो भी कोड है पैनल रेजुलेशन सेट करने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो जाके अगर आपको ज़रूरत है कोई भी पैनल रेजुलेशन सेट करने का कोड आपको चाहिए तो मेरे वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस, इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। कम से कम इस वीडियो को आपने सारे इलेक्ट्रॉनिक दोस्त और जो भी दोस्त थे उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इन सारे चीज़ों के बारे में पता चले और ये सीख पाए। और आप भी अगर इस तरीके का वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।